हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैंने बताई है मोमोज़ की चटनी बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही कम टाइम में 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो इसके लिए चाहिए तेल, हम लोग कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, जैसे सरसों तेल, ऑलिव ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला था सिसमे सीड्स, वाइट तिल जो होती है वो मैंने डाली थी। और इसमें लगने वाली सारी सामग्री को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। और तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें सेसमे सीड्स और प्याज को डालकर एक साथ ही 4-5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम करके लगातार चलाते हुए भूंज लेना है, क्योंकि अगर हम लोग हाई फ्लेम रखेंगे तो तिल बहुत ही जल्दी, जो वाइट तिल होती है बहुत ही जल्दी जल जाती है। और प्याज को तब तक भूंजना है जब तक लाइट ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद इसमें डालना है लहसुन और सूखी लाल मिर्च, कटे हुए टमाटर और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली थी। फिर इसमें डालना है नमक अपने स्वाद के अनुसार। और ये चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। और अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं या प्याज लहसुन के बिना बनाना है तो इसमें प्याज लहसुन की जगह पीनट, जो बादाम होते हैं, उसको भी डालकर साथ ही भूंज लें और फिर इसकी चटनी बनाएं। तो बिना प्याज लहसुन के भी बनाते हैं, सिर्फ पीनट डालकर, तो भी इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। और इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं हम लोग, मोमोज के साथ भी खा सकते हैं। और जब हम लोग ब्रेड का सैंडविच बनाते हैं तो उसमें हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब बहुत ही हेल्दी है ये, क्योंकि इसमें हम लोग वाइट तिल डालते हैं और वाइट तिल बहुत ही अच्छी होती है ठंड के दिनों में, या हेल्थ के लिए वाइट तिल बहुत ही अच्छी होती है। इसको 4-5 दिनों तक स्टोर करके फ्रिज में रख भी सकते हैं। और मोमोज़ की एक तीखी वाली चटनी बनती है, जिसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं पड़ता है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन वो चटनी बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है, क्योंकि लाल मिर्च उसमें ज़्यादा डाला जाता है। तो बच्चों को अगर देना है तो कम मिर्च डालकर उसको बनाएं, अपने स्वाद के अनुसार बनाएं, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी होती है वो चटनी। और इसको लगातार चलाते हुए भूंज लेना है जब तक टमाटर थोड़ा सा वो सॉफ्ट ना हो जाए। लेकिन ये इतना मिर्चा डालने के बाद ये चटनी बिल्कुल भी आपको तीखी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी तीखापन नहीं रहता है इस चटनी में। तो अगर थोड़ा आप लोग चाहें तो बच्चे के लिए बना रहे हैं थोड़ा कम करके बना डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही मतलब बिल्कुल तीखा लगता ही नहीं है। और मोमोज़ में तो हम लोग को चटपटी चटनी चाहिए, लेकिन अगर हम लोग ये बनाते हैं तो हेल्दी है, लेकिन चटपटी चटनी बनाते हैं तो मिर्ची ज़्यादा होती है। तो अपने आप लोग टेस्ट के अनुसार बना सकते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा मिर्चा कम करके डालें तो बहुत ही अच्छी है ये। लहसुन तो खाना हमेशा अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बच्चों को भी दे सकते हैं ठंड के दिनों में। और मोमोज़ को जब बनाएं तो अच्छे से उसकी पत्ता गोभी जो हम लोग बनाते हैं, कैबेज को अच्छे से क्लीन करके बनाएं, क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि ऐसे ही पत्ता गोभी को बस ऊपर से हटा दिए, उसके पत्ते हटा दिए और ऐसे ही ग्रेड कर लिए उसको, बिल्कुल भी पत्ते को देखे ही नहीं कि अंदर कैसा है, कीड़ा है नहीं है, कुछ भी नहीं देखे और क्लीन भी नहीं किए। तो उसको चेक करके ही बनाएं। मोमोज़ को बनाते वक्त सारी सब्जियों को भेजते हुए उसको अच्छे से क्लीन करके ही बनाएं। और ये बिल्कुल ठंडी हो गई थी चटनी, तो मैंने इसको बस ग्राइंड कर लिया। और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है, बहुत ही ऑरेंज कलर इसका बहुत ही सुंदर आता है। लेकिन एक और जो मेरी रेसिपी है वो मैं खुद बनाती हूँ, उसकी लिंक मैंने दे दी है, मैं बताई थी आप लोग को, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी वो। उसकी स्वाद जो होती है उस चटनी की बहुत ही अच्छी होती है, इससे ज़्यादा मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग चटपटी थोड़ी चटनी अगर खानी है तो वो चटनी को आप बना सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल खानी है, तीखी वाली नहीं चाहिए, तो ये चटनी बहुत ही अच्छी है। लेकिन उसका वो उसका स्वाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इससे भी ज़्यादा। आप लोग अपने टेस्ट के अनुसार बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है मोमोज़ बनाने में, लेकिन इसको घर पे ही बना के खाना चाहिए, क्योंकि बाहर में बहुत ही अनहाइजेनिक रहता है। ग्राइंड करने के बाद इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। मोमोज़ जब मुझे बनाना होता है तो बहुत ही इजी तरीके से मैं उसको उस चटनी को बनाती हूँ, और उसका टेस्ट बिल्कुल ही स्ट्रीट की तरह आता है। जैसे हम लोग स्ट्रीट पर खाते हैं मोमोज़, उसके साथ जो चटनी मिलती है बिल्कुल वही टेस्ट आता है। तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बहुत ही कम वक्त लगता है उसको बनाने में, इससे भी कम वक्त लगता है। और अगर बच्चों को देनी है तो बहुत ही कम मिर्च डालें, और इस वैसे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है चटनी, क्योंकि इसमें हम लोग वाइट तिल डालते हैं, तो वाइट तिल हेल्थ के हिसाब से बहुत ही अच्छा होता है। और अगर मोमोज़ को और भी हेल्दी बनाना है तो हम लोग मैदे की जगह आटे का यूज़ करेंगे तो और भी हेल्दी बनेगी। हाँ, थोड़ा सा देखने में अलग लगता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होगी और बहुत ही हेल्दी भी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।